नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर हादसे से जुड़ी हुई है, बूंदी से। ये खबर है बूंदी हादसे में, बड़ा अपडेट है। अगर आप सुबह से न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं तो बूंदी हादसे के बारे में आपको जानकारी होगी। मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 25 हो चुकी है। इस वक्त भी शव निकाले जाने का काम जारी है। 10 पुरुष, माफ कीजिएगा, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 पुरुष, 11 महिलाएं और 3 बच्चों के शव निकाले गए। मेज नदी में बारातियों से भरी ये बस गिर गई थी। दिल को दहला देने वाली, डरा देने वाली ये तस्वीरें बूंदी में सामने आई हैं। पुलिस, एसडीआरएफ रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। और इस बीच मुआवजे का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे का ऐलान किया है। जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है, जो कि सीएम रिलीफ फंड से दिया जाएगा। इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है। हादसे के बाद ग्रामीण भी जो है पूरी तरह से मदद में जुट गए हैं, लेकिन जो संभावनाएं थी वो बहुत कम बची है। तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो आप देख सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्रामीण भी पुलिस की मदद कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 24 डेड बॉडी यहाँ से निकाली जा चुकी है। 11 जो है पुरुष उसमें बताए गए हैं, महिलाओं की संख्या भी इसमें है। इसके साथ साथ 3 बच्चे भी जो है उसमें शामिल है। एक जो है अभी मेरे साथ सरपंच जो है यहाँ के वो जुड़ गए हैं। ये भी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे और ये कुछ जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी कुछ एक बच्चे की डेड बॉडी जो है वो बस के नीचे दबी हुई बताई जा रही है। जी क्या देख करके आए यहाँ पर? सर, हम आसपास के सभी लोग, आसपास के और पुलिस प्रशासन के 4 जवान दही खेड़े से और 2 जवान लाखेरी से, एक उसमें गिरिराज, रामचरण और अशफाक और रूम नारायण, 4 लोग ये थे। तो हम जब चारों तरफ देख रहे थे, हमने बस के अंदर घुसकर देखा, एक बॉडी का डाउट हमारे के आ रहा है, क्योंकि वो बॉडी विंडो में से नीचे की ओर बस के अंदर जब क्रेन ने उठाई तो नीचे की तरफ दब गई है। अब ये आशंका है कि 99% बॉडी है इसके अंदर नीचे की तरफ जो दबी हुई, जो क्रेन ऊपर उठ के आएगी तो बॉडी का सामने आ जाएगा बिल्कुल। और हम काफी मशक्कत के बाद, काफी आसपास के ग्रामीणों ने और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी मदद रही है, दोनों थानों की, देहखेड़ा और लाखेरी थाने की पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। हमारे जिला मुख्यालय पे सर उचित व्यवस्था ही नहीं है बूंदी में सर, किसी भी तरीके की। ये पुलिया बहुत पुरानी समस्या है, बहुत बड़ी मांग है हमारे क्षेत्र की। यहाँ के जितने भी इतना शासन आया है और गया है, तो सर इस तरीके को, इस कमी को क्यों ढीला लिया जा रहा है? हम चाहते ये हादसे की वजह क्या है, क्या वजह रही है, आपको क्या लगता है? टायर फटना भी बताया गया है, क्योंकि टायर बस फट गया सर। इसका रीजन, सबसे बड़ा कारण इसका मुख्य यह है कि जब बस यहाँ पर आती है सर, तो यहाँ पर स्पेस की काफी ज्यादा कमी, जब तो डबल ट्रैफिक होने में, आने जाने में बहुत समस्या होती है। हम भी यहाँ से गुजरते तो हमें गाड़ी को कोने में रोकना पड़ता है, क्योंकि जब एक ट्रक जब एक पूरे स्पेस को घेर लेता है तो हमारी छोटी मोटी कार को भी निकलने में बहुत परेशानी होती है। तो ये सब पुलिया की कमी है, पुलिया जर्जर है और बहुत छोटी स्थिति में पुलिया है। तो इसे एक बड़ा नवनिर्माण कराकर एक बड़ी पुलिया बनाई जाए जिसमें डबल शिफ्टिंग के साथ ट्रैफिक, बड़ी पुलिया बनाई जाए। पुलिया जो है वो जर्जर है, पुलिया 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 के हालात भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये पुलिया के हालात हैं, कोई बचाव का यहाँ पर यानी कोई दीवार या कोई रेलिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से जर्जर पुलिया है, ग्रामीण जो है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जर्जर हालत जो है पुलिया की वो भी हादसे का कारण बनी है। ये मेज नदी है और इसी में ये तेज बहाव, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी में तेज बहाव है और इसी बहाव के चलते यहाँ पर जो है ये बस जो है पानी में समा गई और यहाँ पर 24 जिंदगियां जो है वो जो है पूरी तरह से यहाँ से दुनिया से जो है वो छीन ली गई। ये हादसा है लेकिन बहुत बड़ा सबक भी है। तमाम लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए सबक है। इसके अलावा जो है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें पहुंची, वो कितना त्वरित गति से काम हो सकता था, उन तमाम चीजों की ओर इशारा कर रहा है कि कितना ताकीद कर रहा है कि कितना अलर्ट रहने की जरूरत थी। ग्रामीणों की भीड़ यहाँ पर लगातार जुटी हुई है, तो तस्वीरें जो है अपने आप में बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। 24 डेड बॉडी यहाँ से निकाली जा चुकी है, 5 घायलों को कोटा पहुंचाया गया है और हम लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, किस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उन सब के बावजूद 24 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह जो रही वो पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि टायर फटने के बाद जो है बैलेंस बिगड़ा था, ड्राइवर का संतुलन खराब हो गया था बस का, इस वजह से बस जो है नदी में गिरी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 लाखेरी।
और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी शाकिर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, बड़ी मिक्स फीलिंग है, एक तरफ आपको लाइव देखने की खुशी है मुझे, लेकिन जिस खबर के साथ आप जुड़ रहे हैं वो काफी दिल को दहला देने वाली है। जी बिल्कुल स्वप्निल, अपना आप में दर्दनाक हादसा है और सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यही वो मौका है, यही मेज नदी का वो जगह है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है और अब बस को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि बस को बाहर निकाला जाए और जिस तरह की खबर आ रही है उसके मुताबिक एक जो डेड बॉडी है कोई बच्चे की वो बस के नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ गोताखोर अभी बाहर आए थे तो हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने हमें एक बताया था कि एक डेड बॉडी बच्चे की जो है बस के नीचे दबी हो सकती है। ये रेस्क्यू टीमें जो है लगातार यहाँ पर काम कर रही है, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, उनको MBS अस्पताल भेजा गया है कोटा के, और बाकी 24 डेड बॉडियां यहाँ के नजदीक जो लाखेरी जो है वहां पर अस्पताल में ले जाई गई है। ये बड़ी पूरे गांव में पूरे इलाके में जो है मातम पसर गया है, लोग जो है इस दर्दनाक घटना के बाद से सहमे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री ने जो है मुआवजे की भी घोषणा की है, लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है ग्रामीणों में इस बात का भी रोष है, क्योंकि पुलिया की हालत जर्जर है और जो लोग शुरुआत में यहाँ पर बचाव कार्य कर रहे थे वो मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के इलाके के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, एक जगदीश जी मौजूद हैं, सीधे इन्हीं से पूरा घटनाक्रम किस तरह का आप जब पहुंचे थे तब क्या हालात बने हुए। मैं जब मौके पर पहुंचा तो पापड़ी के पूर्व सरपंच जगदीश जी और देहखेड़ा थाने के 4 कांस्टेबल जिसमें गिरिराज, रूप नारायण जी और अशफाक और एक रामचरण, चारों जवान यहाँ के लाखेरी के महावीर जी, ये चारों यहाँ पर बहुत मशक्कत कर रहे। मैं पानी में कूदा, मैं तुरंत मेरे मित्र राजकुमार मीणा के साथ वहाँ पहुंचा, तब हमारे पास कोई साधन कोई सुविधा किसी तरह की कोई नहीं थे, नाव हमने आसपास के ढाबे से नाव का इंतजाम किया और नाव को हम लेकर वहाँ कूदे। उसके पहले हमने कुछ डेड बॉडियों को निकाल लिया था यहाँ पर, हम उसमें 29 कुल 29 लोग हमने निकाले जिसमें से 6 लोग सही सलामत बच गए, 4 उसमें किसी को चोटें नहीं आई, 4 लोगों को, 2 लोगों को जो घायल हुए थे वो अभी सही सलामत अस्पताल में है। तो लगभग 29 जने वहां पर निकले हैं जिसमें से बाकी सारे मृत हुए हैं 6 के अलावा, और एक की और हमें आशंका है कि हम जब अंदर ढूंढ रहे थे तब हमें लग रहा है कि एक अंदर और बॉडी है कोई, तो वो बस के नीचे दब गई है। अब वो बस को हटने के बाद से उसको उठाने के बाद जब क्रेन उसको उठाएगी तो वो बॉडी का पता लग पाएगा। और ऐसा ये घटना आज पहली बार नहीं हुई है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है, कोई ट्रक गिर जाता है, कोई बाइक गिर जाती है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार टोल ले रही है, सरकार इतना सारा खर्चा वहन करती है, सरकार की ये सालों पुरानी मांग थी, इधर के किसानों की, इधर के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, कम से कम 100 साल से ऊपर इस पुलिया को हो गई है, इसकी हालत जर्जर हो रही है। हमारी सरकार से यही मांग है, हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि इस पुलिया को तुरंत बनाया जाए और डबल शिफ्टिंग में इस पुलिया को लिया जाए, क्योंकि इस पुलिया का नवनिर्माण करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब एक ट्रोला एक ट्रेलर जब आता है इसमें तो हमें डर लगता है हमारा साधन को निकालने से कि हम कहां जाएंगे, और किसका कोई सपोर्ट किसी तरीके से नहीं, और पूरी पुलिस आज जब हादसा हुआ तो रेस्क्यू टीम जो है कितने समय बाद यहाँ पर पहुंची, आप लोगों ने जब सूचना की तो क्या जल्दी रेस्क्यू टीम आ गई या टाइम लगा, कुछ और जाने बचाई जा सकती थी अगर जल्दी आ जाती तो? सर, हमारे जिला मुख्यालय की बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके पास किसी तरीके की सुविधा कोई साधन नहीं है, SCC फैक्ट्री की टीम भी जो क्रेन है वो भी 1.5 से 2 घंटे बाद पहुंची है, क्योंकि सबको लगभग पता था जब मैं इतने दूर गाँव से आ सकता हूँ चलकर, पूरी पब्लिक यहाँ आई है, काफी सारे लोग आए, तो यहाँ के आसपास बिल्कुल यहाँ से लाखेरी के सर 3 किलोमीटर की दूरी SCC की, सर वो आ सकती थी क्रेन, जिला मुख्यालय से भी टीमें बाद लेट में पूछी है, प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही नहीं, पर हमारे पास किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, हमारे जिला मुख्यालय में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई बोटिंग नहीं है, कोई रेस्क्यू टीम जो पहुंची जो कोटा से आई है, क्रेन मंगाई गई है SCC से मंगाई है, जिला मुख्यालय में कोई उचित व्यवस्था ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जिला मुख्यालय पे एक बहुत बड़ी सुविधाओं को दिया जाए, अच्छी सुविधाएं। बूंदी में स्वप्निल जो है ये जिस तरह से बता रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जो है वो इंतजाम उतने इंतजाम यहाँ पर नहीं है, जिस तरह से ये देरी यहाँ पर हुई है वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, अगर जल्दी टीमें यहाँ पर पहुंच जाती तो लोगों की जान को ज्यादा बचाया जा सकता था। यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर लाखेरी है, और भी लोग हैं मेरे साथ, आप भी बचाव दल में थे, आपने भी शुरुआत में जो है लोगों को बाहर निकाला। मैं राजस्थान पुलिस से देहखेड़ा थाने में कांस्टेबल रूप नारायण 760 तैनात हूँ। हम आते ही पहले डांगे और बचाव में बॉडियों को निकाला, बाहर निकाला और उनमें 6 आदमी बचा लिए और उनको निकाल करके हमने प्रयास किया, ये प्रयास हमारा सफल रहा इसमें आगे के लिए। तो ये वो कांस्टेबल है जिन्होंने जो है शुरुआत में जो है मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस खबर में शाकिर, देखिए कई सारी विडंबनाओं को सामने ला दिया। बूंदी एक ऐसा शहर है जो कि राजस्थान के पर्यटन मैप में स्थान रखता है, पर्यटन नगरी के नाम से भी बूंदी को जाना जाता है, और एक खबर ने
कई सारी पर्यटन नगरी की विडंबनाओं को सामने लाकर रख दिया। सरकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं और जिस तरह से 24 जाने यहाँ पर गई है, तो साफ तौर पर ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जो बूंदी जिले में बचाव के संसाधन जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये मुख्य सड़क है, लालसोट मुख्य सड़क है, और इस पर इस तरह की पुलिया का होना, जर्जर पुलिया का होना, और ग्रामीणों का लगातार जो है मांग करना कि पुलिया की हालत सुधार किया जाए, इसमें रेलिंग लगाई जाए या इसको डबल किया जाए, क्योंकि बड़े भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी घटना के बाद यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जो दर्दनाक हादसा हुआ है, 24 जाने जो गई हैं, वो अपना आप में बड़ी बात है, अपना आप में दर्दनाक घटना है। ये इस तरह की घटना जो है रोंगटे खड़े कर देती है। ग्रामीणों का हुजूम आप देख सकते हैं, ग्रामीणों की एक बात की तारीफ करनी होगी कि ग्रामीण जो है जैसे ही उनको पता चला तो वो यहाँ पर पहुंच गए। इस तरह से जुगाड़ की नाव भी जो है वो यहाँ पर मौके पर लाई गई, जुगाड़ नाव से भी कोशिश की गई ग्रामीणों के द्वारा कि जान बचाई जा सके, लेकिन ज्यादातर लोगों की जान नहीं बच सकी। और ये हादसा जो है बड़ा सबक देकर गया है बूंदी, जो क्योंकि पर्यटन नगरी है, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुंचते हैं। इसके अलावा तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है व्यवस्थित होनी चाहिए थी, बचाव दल यहाँ पर होने चाहिए थे। इसके अलावा जो मुख्य सड़कें हैं, कम से कम वहां पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ताकि जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, वो अपने मुकम्मल स्थान पर पहुंच सके। तमाम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो अब क्योंकि ज्यादातर नजर बनाए रखें। वहीं इस हादसे पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने संवेदना जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है, हादसे में जनहानि की खबर दुखद है, कठिन समय में परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चीत्कार होना जश्न था, लेकिन जान चली गई। बारातियों से भरी बस नदी में समा गई और एक एक कर 20 से ज्यादा लोगों की जल समाधि बन गई। सुबह सुबह बूंदी में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 40 बारातियों से भरी बस कोटा से सवाई माधोपुर जा रही थी। सभी के मन में शादी समारोह में शामिल होने का उत्साह था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मच गया हाहाकार। बस जैसे ही बूंदी जिले के पापड़ी गांव के पास पहुंची, मेज नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी। नदी में गिरने के बाद बस पूरी तरह से पलट गई, जिसके कारण बस में सवार लोग बाहर निकल नहीं पाए। और हम काफी मशक्कत के बाद काफी आसपास के ग्रामीणों ने और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी मदद रही है, दोनों थानों की देखेड़ा और लाखेरी थाने की पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। हमारे जिला मुख्यालय पे सर उचित व्यवस्था ही नहीं है बूंदी में सर, किसी भी तरीके की। ये पुलिया बहुत पुरानी समस्या है, बहुत बड़ी मांग है हमारे क्षेत्र की। यहाँ के जितने भी इतना शासन आया है और गया है, तो सर इस तरीके को, इस कमी को क्यों ढीला लिया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के गांव वाले मौके पर पहुंच गए और बस में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक 20 से ज्यादा लोग काल के गाल में जा चुके थे। प्रशासन ने अभी तक मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस कदर ये भयानक हादसा हुआ है, उससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलहाल SDRF और 4 थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट।